Dear student, good afternoon to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे. लेट अस मूव, चलते हैं बेटा. हमारा जो लेसन है दिस केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे. अगर आपको याद होगा पिछला वीडियो जो मैंने आपको दिया था वो सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर वर्क किया था. क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी, उसको हमने डिफाइन किया था. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा वो इन्फ्लुएंस होती है और उसकी जो एप्लीकेशन थी उसके बारे में हमने वर्क किया था. ठीक है बेटा, लेट अस मूव. आज जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमारे पास है. एंड दिस वन पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड. जितने भी आयनिक कंपाउंड है या आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को हमने क्या करना, डिफाइन करना है. इसका आइडिया जो दिया वो फजान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आइडिया दिया. दैट्स व्हाई ये फजान रूल के नाम से जाना गया. ये कंसेप्ट क्या बोलना चाहता है कि भाई कोई भी जो कंपाउंड है, अगर मान लो हम किसी भी कंपाउंड की अगर बात करते हैं बेटा, तो कोई भी कंपाउंड अपने आप में ना तो 100% में आयनिक है ना तो वो 100% में क्या कोवेलेंट है. कुछ करेक्टर उसके अंदर आयनिक, कुछ परसेंट में आयनिक करेक्टर होता है और कुछ परसेंट में क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर होता है. एंड किसी भी जो आयनिक बॉन्ड है उस आयनिक बॉन्ड के अंदर जो कोवेलेंट करेक्टर है, उस कोवेलेंट करेक्टर को जो डिटरमाइन किया या क्वालिटेटिवली जो डिटरमाइन किया गया, नॉट क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली जो डिटरमाइन किया, वो साइंटिस्ट कौन थे, वो फजान थे. और इसने इसको क्या नाम दिया गया, फजान रूल. ठीक है बेटा, यस एंड नो, मतलब यहां पे हम बोलेंगे टू डिटरमाइन द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, दैट इज करके लिखेंगे क्वालिटेटिवली बाय फजान. सो दिस इज कॉल्ड फजान्स रूल. ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे फजान्स रूल क्या है. फजान्स रूल ये बोलता है कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर का कंसेप्ट देता है, वो भी क्वालिटेटिवली नॉट क्वांटिटेटिवली. ठीक है, अब ध्यान देंगे क्या कंसेप्ट है बेटा, इससे समझेंगे आप कि जैसे मान लो बेटा हमारे पास कोई आयनिक बॉन्ड है या आयनिक कंपाउंड आप बना रहे हैं, तो इसमें क्या चीज होगा. एक तो बेटा हमारे पास ये कैटायन होगा, है ना, बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखना है. एंड द सेकेंड वन, दूसरा हमारे पास क्या होगा, एक एनायन होगा. एक कैटायन हो गया, नाउ द सेकेंड वन विच वन इज एनायन. एनायन को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये एनायन बना दिया हमने. दिस वन ये कैटायन और ये एनायन. अच्छा, कैटायन का कंसेप्ट आपको याद है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका मैक्सिमम होता है, इंक्रीज, जबकि यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है, डिक्रीजेस. बहुत क्लियर है बेटा, कैटायन और एनायन. अच्छा, कैटायन और एनायन जब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो अप्रोच करते हुए क्या होता है कि कैटायन के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जो एनायन है, उस एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण जो एनायन होता है उस एनायन की जो शेप होती है, उसकी जो सिमेट्री होती है, उसके अंदर एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, या जिसे बोलेंगे डिफॉर्मेशन, इसके अंदर एक डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है. और ये जो डिफॉर्मेशन होता है जो कैटायन के द्वारा एनायन के अंदर या एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा जा रहा है, एक डिफॉर्मेशन क्रिएट की जा रही है, दिस वन इज कॉल्ड पोलराइजेशन. ये पोलराइजेशन किसके द्वारा हो रही है, कैटायन के द्वारा हो रही है. मतलब दिस वन ये एनायन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ऐसे एनायन था लेकिन कैटायन ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, तो क्या चेंज हुआ, जस्ट फ्रॉम दिस वन अगले जो प्रोसेस आएगी उसमें क्या होगा कि हमारे पास दिस वन कैटायन तो एज यूजुअल रहेगा, जो एनायन था उस एनायन को अगर आप ड्रॉ करेंगे बेटा, ये एनायन था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या चेंज हो गया,
ये ऐसे करके घूम गया, ये ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूं। पहले ये यहां तक था लेकिन अब इधर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसके अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। मतलब ये हमारे पास दिस वन कैटायन एंड दिस वन एनायन, ठीक है बेटा। यहां अगर मैं आपको बोलूं तो इनके बीच में हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कंसेप्ट है। लेकिन जो कैटायन है उसने क्या कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए अब इन दोनों के बीच में यहां जो कैरेक्टर बनेगा उसे बोला जाएगा दिस वन पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या लिखेंगे बेटा, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहां पे हम ये बोलेंगे कि एक न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनायन के ऊपर अगर वो परमानेंटली सेपरेट है, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब एनायन का इलेक्ट्रॉन कैटायन के ऊपर आने लगेगा तो कैटायन के ऊपर जो परमानेंट जो पॉजिटिव चार्ज था वो डिमिनिश होने लगेगा, वो कम होने लगेगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब ये इसके नजदीक आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो पूरा नेगेटिव चार्ज था वो कम होने लगेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, जो नेगेटिव चार्ज था वो कैटायन के पास जा रहा है। इसलिए इसका अगर नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा तो इसे पार्शियल नेगेटिव से डिनोट करेंगे। इसके ऊपर जो परमानेंट पॉजिटिव था वो भी कम होने लगेगा, इसलिए उस पॉजिटिव को क्या लिखेंगे, दिस वन पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे करके इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड विच इज कॉल्ड, जिसे नाम दिया जाएगा पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। किसके अंदर बना बेटा, जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड था उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन सा कैरेक्टर आ गया बेटा, दिस वन इज कॉल्ड पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब यहाँ क्या बनने लगेगा, एक बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ध्यान देंगे क्या चीज है, यहां मैं लिखूंगा, यहां लिखो आप, व्हेन कैटायन एंड एनायन आर अप्रोचिंग टू ईच अदर इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड सो दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कैटायन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन विल डिफॉर्म टुवर्ड्स कैटायन सो दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कॉजेज कोवेलेंट कैरेक्टर और फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। सो द फिनोमिना इन विच द deformation of electron cloud of anion by cation is called polarization, ठीक है बेटा। यहां एक चीज और आएगी जिसे नाम दिया जाएगा
पोलराइजिंग पावर पीपी जो किसकी होती है, कैटायन की। दूसरा टर्म आता बेटा जिसमें पोलराइजेशन पी, और जो किसका होता है बेटा एनायन का। ध्यान से सुनो, देखो कंसेप्ट आपको बता दिया कि व्हेन कैटायन एनायन आर अप्रोचिंग टू ईच अदर इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जब भी किसी आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, जो कैटायन के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो ज्यादा होता है, उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन का, सॉरी जो एनायन है, उस एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, जिसके कारण वो डिफॉर्म हो जाता है, विल डिफॉर्म टूवर्ड्स कैटायन। वो कैटायन की तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, या उसकी तरफ वो झुक जाता है। ठीक है बेटा, कैटायन। सो दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसके कारण एक न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस प्रोसीड होती है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, ऐसे कंडीशन में इसका पॉजिटिव काम, इसका नेगेटिव भी काम होने लग जाता है। सो द फिनोमिना इन विच द डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय एनायन बाय कैटायन, जब कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर जाता है, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है पोलराइजेशन। क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। ठीक है बेटा, एंड यहाँ पे जो केटाइन होता है उसकी जो टेंडेंसी होती है, जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, दिस वन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर, और जो एनायन का इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है केटाइन के पास, उसे नाम दिया जाता है पोलराइजेशन। बहुत क्लियरली दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए हैं कि पोलराइजिंग पावर जो होगी वो केटाइन की होगी, पोलराइजेशन जो होगा वो एनायन का होगा। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया बेटा। यस एंड नो। अब चलते हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन। सो लेट अस मूव, हम लिखेंगे बेटा यहाँ फैक्टर्स लिखेंगे हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं दिस वन, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, पी टी, और पोलराइजिंग पावर जो होगी वो किसकी होगी बेटा, कैटायन की। इतना तो आपको याद रखना है, कैटायन जब भी आप बोल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, इतना जरूर याद रखो, कैटायन के अंदर जब भी आप कैटायन को पढ़ रहे हैं, एक बार नहीं, क्लासिफिकेशन में एलिमेंट से सारी चीजें यही बताई जा रही है, यही सिखाई जा रही है। तो इसके अंदर जो पहला पार्ट बनेगा, इसे हम लिखेंगे साइज ऑफ कैटायन। ठीक है बेटा, क्या चीज है, पोलराइजिंग पावर जो होता है वो जो साइज होता है कैटायन का, उसका इन्वर्सली होता है। कैसे करके, कि भाई अगर मान लो हम क्या बोलते हैं, किसी कैटायन के अंदर जब हम कैटायन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो सभी बच्चों को पता है कि साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होगा तो उसके कारण क्या होगा, जो पोलराइजिंग पावर है वो पोलराइजिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्या इंक्रीज हो रही बेटा, पोलराइजिंग पावर जो होगी वो इंक्रीज करेगी जब क्या होगा, साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, साइज की अगर मैं बात कर रहा हूँ और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे मान लो हमने क्या किया बेटा, लाइक दिस वन, मैं लिखता हूँ लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, या इधर से हम लिखते हैं लाइक दिस वन, यहाँ लिखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम हो गया, प्लस वन ऐसे करके दिखा दिया बेटा, यहाँ ये प्लस का टू हो गया। ठीक है बेटा, ये प्लस टू आपने दिखा दिया, ये ऐसे करके दिखा दिया। या इसके अंदर एक तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पे, यहाँ आता बेटा हमारे पास दिस वन एच जी,
प्लस टू आयन, दूसरा आता है जिंक कैडमियम, कैडमियम प्लस टू आयन, जिंक प्लस टू आयन, ठीक है बेटा। यहां अगर मैं आपको बोलूं कि पोलराइजिंग की जो पावर है, जो कैटाइन छोटा होगा, कैटाइन कौन सा छोटा है, लिथियम प्लस आयन, और बड़ा कौन सा है, सीजियम प्लस आयन, दैट्स व्हाई लिथियम प्लस आयन के अंदर सबसे ज्यादा पोलराइजिंग की पावर होगी। पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, क्योंकि जिसका साइज छोटा है, साइज किसका छोटा है, लिथियम का। वैसे ही यहाँ क्या लिखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अच्छा यहाँ कंसेप्ट क्या है बेटा, अगर मैं आपको ये बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आयोनिक रेडियाई, और आयोनिक रेडियाई यहाँ ये हमारे पास एक एक्सेप्शन बनता है बेटा, इसको आपने ध्यान रखना है। अगर मैं आयोनिक रेडियाई की अगर बात करूँ, और G12 वाले जो एलिमेंट्स हैं, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया बेटा, ठीक है, 1 2 3 तीन ही हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, इनके आयन्स जो बने, इनमें आ गया हमारे पास जिंक प्लस टू एन, कैडमियम प्लस टू एन, मरकरी प्लस टू एन। अगर आप इसका साइज अगर देखें तो Hg प्लस टू आयन बड़ा होगा, देन Cd प्लस टू आयन, देन Zn प्लस टू आयन, ये इनकी आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर है, ठीक है बेटा। इसका मतलब कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर आप यहाँ पे पोलराइजिंग पावर की अगर बात करते हैं तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर होना चाहिए था Zn प्लस टू आयन, देन Cd प्लस टू आयन, देन Hg प्लस टू आयन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द, ये किसका ऑर्डर बनना चाहिए था बेटा, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ये होना चाहिए था, दिस इज द ऑर्डर। सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होनी चाहिए थी, जो आयन सबसे छोटा है। लेकिन एक्चुअली यहाँ ऑर्डर ये नहीं होता है, रेदर देन पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर बनता है, एच जी प्लस टू आयन, देन सी डी प्लस टू आयन, देन जेडन प्लस टू आयन, ऐसा इसलिए होता है। इसके अंदर एक फिनोमेना पाई जाती है, अगर आपको याद होगा, जिसे मैंने नाम दिया था लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे जो साइज है, अगर साइज की अगर बात करें तो साइज तो इसका बड़ा है, लेकिन जो अट्रैक्ट करने की फिनोमिना होती है, ठीक है बेटा, जो पोलराइजिंग पावर होती है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो फिनोमिना, जो पावर होती है, वो किसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, Hg प्लस टू आयन के अंदर। दैट्स वाई अगर मान लो आप इनके क्लोराइड्स बनाते हैं, मान लो आपने एक कंपाउंड बनाया, दिस वन Zn Cl2 बनाया, या आपने बना दिया Cd Cl2 बना दिया, या आपने बनाया Hg Cl2 अगर आपने बना दिया, ठीक है बेटा। तो सबसे ज्यादा जो पोलराइजिंग की पावर बनती है वो किसके अंदर बनती है, Hg Cl2 के अंदर बनती है। दैट्स वाई यहाँ हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितनी ज्यादा पोलराइजिंग की पावर होगी, जो पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर होगा वो उतना ज्यादा होगा। तो अगर यहां से हम ये देखें तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द, ये हमारे पास क्या बनेगा, पार्शियल कोवेलेंट करेक्टर का क्या बनेगा बेटा, दिस इज द ऑर्डर। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो Zn Cl2 है, इसके अंदर आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, और ये जो Hg Cl2 है, इसके अंदर जो कोवेलेंट करेक्टर है वो ज्यादा होगा। समझ रहे हैं आप, ये ज्यादा कोवेलेंट वाला हो गया, कोवेलेंट करेक्टर इसके अंदर बन गया, और इसके अंदर क्या आयनिक है। अगर मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, Hg Cl2 हो गया और Zn Cl2, Zn Cl2 को हमने क्या किया बेटा, यहाँ लिया, वाटर लिया, पानी में इसे डिजोल्व करते हैं, तो यहाँ से बनेगा Zn प्लस टू आयन एक्वस एक बनेगा, 2 Cl नेगेटिव आयन बनेगा, और इसे बोला जाता है 100% डिसोसिएशन। Zn Cl2 100% में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन अगर मान लो आप Hg Cl2 की अगर बात करते हैं और इसे पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने के बाद क्या बनेगा, यहाँ से Hg प्लस टू आयन एक बनेगा, दूसरा बनेगा बेटा 2 Cl नेगेटिव आयन, लेकिन जो कितना परसेंट, केवल और केवल 2% में क्या होता है बेटा, डिसोसिएट होता है। यहाँ हमने बोला Zn Cl2 जो है वो 100% डिसोसिएट हो गया, और Hg Cl2 हम बोल रहे हैं केवल 2% में डिसोसिएट हुआ। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में क्या होगा, 100% पे, मतलब ये सारे आयन्स में टूट जाएगा अगर इसके अंदर आयनिक करेक्ट है। इसलिए हमने क्या बोला कि इसके अंदर अगर आयनिक करेक्ट है तो ये 100% डिसोसिएट हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए ये 100% क्या नहीं हो रहा, डिसोसिएट नहीं हो रहा, रेदर देन केवल 2% में क्या हो रहा, डिसोसिएट हो रहा। तो ये यहाँ पे जो साइज वाला कंसेप्ट मैंने आपको दिया था कि साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग की पावर ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन भी बनता है कि Hg प्लस टू आयन साइज बड़ा होने के बावजूद भी
इसके अंदर पोलराइजिंग की पावर ज्यादा होती है ड्यू टू लेंथर नोड कॉन्ट्रेक्शन। और यहाँ पे आगे इन कंपाउंड को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे ज्यादा जो जो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर बनता है वो एचजीसीएल2 में बनता है, सबसे कम किस में बनता है ZnCl2 में बनता है। ठीक है बेटा, यस एंड नो, समझ में आ गया? देखो आप सेकेंड वाला जो पार्ट बनेगा बी पार्ट इसका बनेगा, मिटा दो मैं इसे। नाउ द बी पार्ट, और अगर हम उसे डिफाइन करें उसे हम बोलेंगे साइज, साइज बोल दिया तो चार्ज बोलेंगे। नाउ नाउ द सेकेंड वन, तो यहां लिख देंगे चार्ज ऑन द कैटायन। अच्छा ध्यान देंगे, चार्ज ऑन द कैटायन डायरेक्टली बनेगा पोलराइजिंग पावर। ठीक है बेटा, मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कैटायन के अंदर क्या बनेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। कब बढ़ेगा भाई? अगर आप क्या करते हैं चार्ज को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। ठीक है बेटा, उसके कारण क्या होगा, इन दैट कंडीशन जो पोलराइजिंग पावर होगी वो पोलराइजिंग पावर भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो हम अगर चार्ज की अगर बात करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ, नाउ द फर्स्ट वन मैंने लिया लिथियम प्लस आयन, लिथियम के बाद बेरिलियम प्लस टू आयन, इसके बाद बोरोन प्लस थ्री आयन बना दिया। या इधर से अगर आप ड्रॉ करते हैं चार्ज की अगर बात करते हैं, तो जैसे मान लो Na प्लस आयन हो गया, जैसे मान लो Mg प्लस टू आयन हो गया, और Al प्लस थ्री आयन। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे सबसे ज्यादा क्या है, चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, तो सबसे ज्यादा चार्ज किसमें है, बोरोन में आ गया। जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ सबसे कम बनेगा, यहाँ सबसे ज्यादा सोडियम प्लस आयन, Mg प्लस टू आयन, Al प्लस थ्री आयन, दैट्स व्हाई ऐसे करके आपने क्या कर दिया, इसे ड्रॉ कर दिया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर और ये चार्ज ऑन द कैटायन। अगर हम कैटायन के ऊपर किस चार्ज को अगर हम क्या करते हैं बेस मानते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये ऑर्डर बनेगा। बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। सी वाला जो पार्ट है इसके ऊपर हम वर्क करते हैं बेटा, सो लेट अस मूव। सी वाला जो पार्ट है वो बोलता है दिस वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो हाउ टू डिफाइन पोलराइजिंग पावर विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट अस मूव, यहां लिखेंगे नाउ द सी वन विच वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, इतना आपको यहां एक चीज याद रखना है, यहां लिखेंगे दोज कैटायंस हैविंग स्यूडो नॉबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नॉबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर रेदर देन दैट ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग नॉबल गैस, हैविंग नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला गया कि हमारे पास वो कैटायन देन दैट ऑफ द कैटायन। ठीक है बेटा, क्या बोला गया कि दोज कैटायंस हैविंग स्यूडो नॉबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे कैटायंस जिनके ऊपर स्यूडो नॉबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, रेदर देन दैट ऑफ द कैटायंस हैविंग नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कि ऐसे जो कैटायंस है जिनके पास केवल नॉबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे करके बेटा हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। एक सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और मैं बोल रहा हूँ कि स्यूडो नॉबल गैस, स्यूडो नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इन दोनों का अंतर आपको समझना है। अगर नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मैं बोल रहा हूँ तो NH2 और NP6 के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, अगर कहीं भी NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा तो वो नॉबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर कहीं पे
NS2 हो गया, NP6 हो गया और ND10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आ जाए बेटा, तो उस कंडीशन में इसे बोला जाएगा स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो मैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला कैटायन, तो बोलूंगा इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है रेदर देन दैट ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो कैटायन है। आपको इतना समझना है, मतलब ऐसा कैटायन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी पोलराइजिंग की पावर ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, पुअर शेडिंग को शो करती है, इसलिए इसके अंदर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन या जो एनायन है उस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर क्या होती है, स्यूडो नोबल गैस के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, डिफ्यूज साइज के अंदर डी का बनता है। दैट्स व्हाई जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ हमारे पास आया लाइक दिस वन बेटा, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम 11 था, सोडियम 11 को आपने लिखा 281, लेकिन अगर मान लो सोडियम प्लस आयन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपने क्या लिखा, 2 और 8 लिखा, और 2 और 8 का मतलब ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया, नियोन का आ गया। या जैसे मान लो सोडियम प्लस आयन की और पोटाशियम की अगर बात करें, पोटाशियम प्लस आयन 288, ठीक है बेटा, 8 और 2 10 और 18, मतलब किसका आ गया, आर्गन का आ गया, जबकि ये अपने आप में 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। या जैसे मान लो Mg+2 आयन की अगर बात करें, 2 और 8 12 होता है, लेकिन 2 और 8 लिख दिया, मतलब कितना हो गया, ये नियोन हो गया। या जैसे मान लो Ca+2 आयन को अगर आप लिखना चाहते हैं, 2 8 8 8 10 8 18, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया और ये किसका आ गया, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। इन सभी के अंदर अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोलूँ तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन इनके अंदर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, दे हैव टेंडेंसी टू शो द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। लेकिन अगर मान लो हम चेंज करते हैं, और क्या चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, आई एम सेइंग और वी हैव, हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लो हम ऐसा करें यहाँ से कॉपर को ले लें, कॉपर बेटा 29 हो गया, आर्गन हो गया है ना, अब 3D कितना हो गया, 10 हो गया, फोरस कितना हो गया, 1 हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, और चेंज करने के बाद C+N अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ आर्गन लिख दिया बेटा, और इसके बाद हमारे पास 3D कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ D10 तो ये है ही 3D10, लेकिन 3D10 से पहले अगर आप आर्गन में देखें तो यहाँ और क्या आ रहा होगा, यहाँ एक क्या आएगा बोला, 3S2 भी आएगा बेटा, 3P6 भी आएगा, और 3D10 तो ये था ही। मतलब इससे पहले जो थर्ड वाला जो हमारे पास शेल है, 3S होगा, 3P होगा, 3D होगा, और टोटल नंबर में इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे कॉपर हो गया, कॉपर सिल्वर गोल्ड हो गया है ना, तो अगर सिल्वर को सिल्वर प्लस आयन में लिख दूँ, गोल्ड को क्या लिख दूँ, Au+ आयन हो गया। इन सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। या यहाँ से अगर मान लो मैं Zn, ठीक है, जिंक कितना होता है बेटा, 30 का होता है ना, जिंक कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें जिंक को क्या लिखेंगे, 3D 10 हो गया, 4S कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन अगर आपने क्या किया, यहाँ से Zn+2 आयन बना दिया, यहाँ से Cd+2 आयन बना दिया, यहाँ से Cd+2 आयन अगर आपने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ क्या होगा बेटा, ये तो आपका S वाला इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसके D के अंदर 10 होंगे, मतलब यहाँ भी क्या बनेगा, NS2 हो गया, NP कितना बनेगा, 6 बनेगा, और ND कितना बनेगा, 10, जो बराबर कितना आया, 18 इलेक्ट्रॉन। ये मैं सभी के लिए लिख रहा हूँ, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, 1, 2, 3, या 3D है या 4D या 5D आ जाएगा, लेकिन सभी में क्या होगा, NS2, NP6 एंड ND10, 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा। दैट्स व्हाई अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई पोलराइजिंग की जो पावर बनेगी, ठीक है बेटा, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं और ये वाले क्या थे, 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले, तो इनके अंदर जो पोलराइजिंग पावर बनेगी वो किससे ज़्यादा बनेगी, जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाले जो एलिमेंट हैं, कैटाइन्स हैं, उनसे ज़्यादा बनेगी। दैट्स व्हाई अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मान लो बेटा मैंने क्या किया, एक कंपाउंड लिया NaCl और एक कंपाउंड ले लिया बेटा मैंने CuCl, ठीक है, यहाँ Na जो है वो Na+ आयन के अंदर है, यहाँ कॉपर जो है Cu+ आयन के अंदर है, Cu+ आयन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया, Na+ आयन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया, इतना ध्यान रखेंगे। तो जिसके अंदर जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा क्या बनेगा, पोलराइजिंग पावर जिसके अंदर जितनी ज़्यादा होगी, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो
तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि NaCl हो गया, CuCl हो गया, तो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा बनेगा, जिसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो रही है, किसमें हो रही, CuCl में। इसलिए NaCl के अंदर जो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो कम होगा, और जबकि CuCl के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब NaCl क्या होगा, ज्यादा आयोनिक होगा, और ये अपने आप में ज्यादा क्या होगा बेटा, दिस वन कोवेलेंट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये कंक्लूजन था यहाँ से, ठीक है बेटा। तो ये पहले वाला जो पार्ट आया पोलराइजिंग पावर, आपको बहुत क्लियर दिया, तो समझ में आएगा, नोट करना बेटा एक बार। लेट अस मूव, चलते हैं बेटा। अब हमारे पास सेकंड पार्ट जो बनेगा उसे लिखेंगे पोलराइजेशन। बहुत मजेदार कंसेप्ट है बेटा, अगर आप ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत जरूरी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इट मस्ट व्हाट आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टॉपिक, टॉपिक के रिगार्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो हमें आनी चाहिए। नाउ द सेकंड वन, और आप देखेंगे बेटा दिस वन पोलराइजेशन। अच्छा भाई, पोलराइजेशन किसकी होती है, जिसे सिंपली पी से डिनोट करते हैं, पोलराइजेशन होगा एनायन का, ठीक है बेटा। अच्छा, इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि जेट इफेक्टिव इसमें क्या होता है, डिक्रीज करता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, बिकॉज आई एम सेइंग अबाउट एनायन। तो पहला पार्ट यही बनेगा बेटा, साइज की मैं बात करता हूँ, साइज ऑफ एनायन, ठीक है। और यहाँ क्या बोलता है बेटा कि साइज जो बनेगा वो डायरेक्टली किसके बनेगा, पोलराइजेशन के डायरेक्टली बनेगा। मतलब साइज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, जो जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो साइज क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, तो पोलराइजेशन भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। इतना आपको ध्यान रखना। अरे जो एनायन छोटा होगा ना बेटा, वो कैटायन के पास जो है वो देर से पहुंचेगा, उतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा, और जो एनायन बड़े साइज वाला है वो कैटायन इजीली कैटायन के पास पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर जो एनायन बड़े साइज का है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, देखो आप यहाँ इसे ए लिख देते थे, इसे ए लिखो या फर्स्ट लिख दूँ, जैसे हो गया फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, या यहाँ से अगर आप लिख दो लाइक दिस वन, ओ टू नेगेटिव हो गया, एस टू नेगेटिव हो गया, सल्फर सेलिनियम हो गया, टेलोरियम हो गया, ठीक है बेटा। या थर्ड वन, यहाँ मान लो मैं एन थ्री नेगेटिव हो गया या पी थ्री नेगेटिव हो गया, समझो आप इससे। यहाँ साइज क्या हो रहा है बेटा, ये फ्लोराइड जो स्मॉल साइज का, आयोडाइड बड़े साइज का, तो भाई साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन की पावर उतनी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव उसका कम होता है, इसलिए ऑर्डर जो बनेगा वो ये ऑर्डर बनेगा, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होगा, आयोडाइड के अंदर, या ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, सेलेनाइड हो गया, टेलोराइड हो गया, तो सबसे कम बनेगी ऑक्साइड के अंदर, सबसे ज्यादा बनेगी टेलोराइड के अंदर। नाइट्राइड आयन और फॉस्फाइड आयन में से बड़े साइज वाला कौन है, फॉस्फाइड आयन। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये ऑर्डर बन गया। या इसी में चाहो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं NO2 नेगेटिव, हाँ ठीक है, और दूसरा बनता है NO3 नेगेटिव, या एक और लिख सकते हैं, जैसे मान लो SO3 2 नेगेटिव हो गया, सल्फाइड हो गया, NSO4 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे कि यहाँ सल्फेट आयन के अंदर ज़्यादा पोलराइजेशन होता है, यहाँ नाइट्रेट आयन के अंदर ज़्यादा पोलराइजेशन होता है, किसके रिस्पेक्ट में, नाइट्राइड या किसके रिस्पेक्ट में, सल्फाइड के रिस्पेक्ट में। तो इतना तो आया हमारे पास साइज वाला कंसेप्ट बना। चार्ज की अगर हम बात करते हैं, अगर चार्ज लिखें बेटा, बी वाला पार्ट हम लिखते हैं, नाउ दिस वन चार्ज ऑन द एनायन। तो एनायन के ऊपर जो चार्ज बनता है, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूं तो अगेन क्या बोलेंगे बेटा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सेकेंडली जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली किसके बनेगा, पोलराइजेशन के बनेगा, ठीक है बेटा। मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। क्या हो रहा है कि जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल आया, जैसे हम क्या बोले, चार्ज ऑफ एनायन, हमने क्या लिया लाइक दिस वन, फ्लोराइड हो गया, ऑक्साइड हो गया या नाइट्राइड हो गया, ठीक है बेटा। या इधर से मान लो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लिख दें लाइक दिस वन, क्लोराइड हो गया, सल्फाइड हो गया, फॉस्फाइड हो गया, है ना, छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो चार्ज कहाँ ज़्यादा हो रहा है,
नाइट्राइड आयन के अंदर चार्ज ज्यादा होगा रेदर देन दैट ऑफ द ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज ज्यादा होने के कारण जो इफेक्टिव न्यूट्रल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो ध्यान देंगे बेटा, इसलिए पोलराइजेशन किसके अंदर ज्यादा होगा, नाइट्राइड के अंदर रेदर देन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। सिमिलरली वी हैव फॉस्फाइड सल्फाइड एंड क्लोराइड, तो ये ऑर्डर इसका ऐसे करके बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास कि जो हमारे पास जो पोलराइजेशन पोलराइजिंग पावर हो गया और पोलराइजेशन है वो किसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। ठीक है बेटा, यहां से हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन। अगर आप ये समझना चाहें कि भाई पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या जरूरी है, एक तो क्या हो, यहां मैं लिखूंगा, नोट लिखूंगा और यहां लिखेंगे फॉर पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है बेटा, क्या होना चाहिए, हायर क्या होना चाहिए बेटा, पोलराइजिंग पावर एंड हायर क्या होनी चाहिए, पोलराइजेशन। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पोलराइजिंग पावर होगी और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसके कारण पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां से मैं बोलूंगा कि जो साइज है इसे बोलूंगा स्मॉल साइज ऑफ, क्या बोलूंगा, कैटायन एक, और क्या बोलूंगा, दिस वन लार्ज या हायर चार्ज बोल देंगे, दिस वन हायर चार्ज ऑन कैटायन, हायर चार्ज ऑन कैटायन, है ना, या हम बोलेंगे स्यूडो नोबल गैस कंफिगरेशन, या हम क्या बोलेंगे यहां से कि हायर चार्ज ऑन एनायन, है ना, एनायन पे भी ज्यादा चार्ज होना चाहिए, या लार्ज या हायर साइज ऑफ एनायन। यही चीजें मैंने आपको बताई। अगर इतना सब कुछ है बेटा, इतना आपको ध्यान रखना, अगर इतनी सारी चीजें अगर हमें कहीं पे दिख रही हैं, इसका मतलब वहां पे क्या होगा बेटा, मैक्सिमम क्या होगा, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ गया। ठीक है बेटा, यस एंड नो। अब चलते हैं बेटा, अगला जो टॉपिक इसके ऊपर बनता है उससे हम लिखेंगे इसके अंदर इसके जो एप्लीकेशंस बनती हैं उनके ऊपर हम वर्क करते हैं। सो लेट अस मूव। बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी बेटा इसके अंदर। नाउ एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस के अंदर बेटा यहां एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्या चीज है बेटा, यहां मैं लिखूंगा जो पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली होती है पोलराइजेशन की, और डायरेक्टली होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। बहुत क्लियर है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन उसके कारण क्या होगा कि अगर मान लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूं, तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है रेदर देन दैट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, इसलिए इनवर्सली बोल दिया। या आगे अगर मैं लिखूं यहां पे बेटा, तो यहां मैं लिखूंगा दिस वन सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी बनती है अगर उसकी मैं बात करूं बेटा, तो ये सॉल्युबिलिटी क्या बनती है, ये भी इनवर्सली बनती है। कहने का मीनिंग क्या है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो लेस सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबिलिटी अगर कम होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, या आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो आयनिक कंपाउंड के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, रेदर देन यहां लिख देंगे दिस वन कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी। ठीक है बेटा, मतलब जो कोवेलेंट कैरेक्टर कंपाउंड होगा उसके अंदर जो कलरिंग जो कंसेप्ट होगा या कलर को शो करने की टेंडेंसी होगी वो क्या होगा, ज्यादा होगी। आयनिक के अंदर कम होगी, कोवेलेंट के अंदर क्या होगा, क्योंकि डायरेक्टली मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये इसके अंदर क्या बनती है, इसकी एप्लीकेशन बनती है। अगर इतना आपको पता चल गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
जैसे मान लो पहले वाला कंसेप्ट अगर मैं फॉलो करूं और यहां अगर मैं बोलूं दिस वन कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां मैं क्या बोलूंगा बेटा, जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल आ गया लिथियम क्लोराइड हो गया, लिथियम के बाद सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है बेटा, मान लो इनकी मैं बात करता हूं। अच्छा यहां ध्यान देंगे बेटा, यह कंसेप्ट क्या आ रहा है बेटा, अगर आप साइज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां साइज का कंसेप्ट बन रहा, क्लोराइड आयन तो सभी के अंदर एक जैसा है, लेकिन यहां पे जो लिथियम है ये स्मॉल साइज का है, सोडियम बड़ा हो गया, पोटाशियम बड़ा हो गया, रुबिडियम और बड़ा हो गया, ठीक है बेटा। अगर इनमें से अगर आपको ये देखना है कि भाई जो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर बनेगा वो किस में सबसे ज्यादा बनेगा, तो जिसका साइज क्या होता है छोटा होता है उसके अंदर पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई जो ऑर्डर बनेगा बेटा वो ये ऑर्डर बनेगा, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बनेगा जबकि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या बनेगा कम बनेगा। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। LiCl इज मोर कोवेलेंट रेदर देन दैट ऑफ द RbCl, मतलब ये आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। या मान लो अगर मान लो यहां से कंपाउंड में लेता हूं लाइक दिस वन Na2O, एक कंपाउंड हमने ले लिया MgO, एक कंपाउंड में लेता हूं लाइक दिस वन Al2NO3, ठीक है बेटा, ये तीन कंपाउंड बेटा मैंने यहां पे लिए। अब ऑक्साइड आयन तो सभी के अंदर सेम है, लेकिन अगर आप देखें Na+ आयन Mg+2NAl+3 आयन, तो अगर मान लो मैं यहाँ चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज यहाँ पे सबसे कम है, चार्ज यहाँ पे ज्यादा, कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी पोलराइजिंग की पावर, दैट्स व्हाई जो कोवेलेंट कैरेक्टर बनेगा वो Al2O3 के अंदर ज्यादा बनेगा और Na2 के अंदर क्या बनेगा कम बनेगा। या अगर मान लो मैं यहाँ पे एक हमारे पास कंपाउंड है NaCl हो गया और दूसरा हमारे पास क्या बन गया दिस वन CuCl हो गया, ठीक है बेटा, अगर यहाँ देखें बेटा तो जो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर बनेगा यहाँ कौन सा कंसेप्ट आ गया स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ये आपको बताया था, मतलब NaCl और CuCl के अंदर पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर क्या बनेगा ज्यादा बनेगा, पहला आया कोवेलेंट कैरेक्टर का। नाउ द सेकंड वन, दूसरा पार्ट अगर मैं लिखूं दिस वन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास जैसे मान लो NaCl है और दूसरा हमारे पास क्या CuCl है, तो NaCl और CuCl में से अच्छा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, तो कोवेलेंट कैरेक्टर CuCl में ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा NaCl में, जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसके अंदर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या बनेगा ज्यादा बनेगा, दैट्स व्हाई ये ऑर्डर बन जाएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द, ये ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। या अगर मान लो यहां से थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं और थर्ड नंबर हम लिखते हैं दिस वन, इसे लिख देंगे बेटा दिस वन सॉल्युबिलिटी, छोटे छोटे टॉपिक हैं बेटा, कंसेप्ट आपको ये याद हो जाएगा तो बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन आप इजिली इनको इनपे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है वो भी यूनिवर्सली बनती है, मान लो जैसे मान लो मैं एक कंपाउंड लेता हूँ FeOH2 और दूसरा कंपाउंड लिया FeOH3 हो गया बेटा, ठीक है, अगर इनमें से अगर मैं आपको बोलूँ कि इनमें से सबसे ज्यादा जो सॉल्युबिलिटी बनती है वो सॉल्युबिलिटी किसके अंदर बनेगी, तो ध्यान देंगे यहाँ आयरन जो है वो Fe+3 आयन के अंदर है, यहाँ Fe+2 आयन के अंदर है, मतलब इसके अंदर पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बनेंगे तो इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा बनेंगे, जो आयनिक कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसके अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, दैट्स वे हमारे पास ये ऑर्डर बन जाएगा, समझ रहे हैं बेटा आप, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन याद है बेटा तो सारे एप्लीकेशन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। या मान लो अगर इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है एंड दिस वन कलर, ठीक है बेटा, नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ वाला पॉइंट बनेगा कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, इतना आपको ध्यान रखना है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर सो दैट मिनिमम आयनिक कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर इज लेस देन, याद रखना 20% इन द कंपाउंड सो शो
ठीक है, आइनी कैरेक्टर लेस देन 20%, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, शो कलर, ठीक है, शो कलर या इम्पार्टिंग कलर, ठीक है बेटा, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस कलर के लिए क्या है, यहाँ पे एक चीज होती है बेटा, कलर का कंसेप्ट क्या बहुत डिटेल इसके अंदर आती है, उतने डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जो भी कलर बनता है उस कलर के पीछे एक नाम आता है कि भाई वो जो कंपाउंड है, वो जो एलिमेंट है, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब उसका डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बोलता है कि वेदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और नॉट, इससे कोई लेना देना नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, मतलब आयनिक कैरेक्टर अगर 20% से कम हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा हो गया, तो उसके अंदर क्या बनेगा, कलर बनेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। कलर का कंसेप्ट ऐसा आता है, चार्ज ट्रांसफरिंग के कारण भी कलर बनता है। आगे जाकर के हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास बनते हैं बेटा प्लस टू के अंदर, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आता है, वहां पे कलर का कंसेप्ट आता है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं वहां कलर का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ अभी मैं केवल इतना बोलूंगा, इतना आपको याद रखना है कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर जहाँ ज्यादा होगा वहां पे जो कलर बनेगा वो भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। जैसे मान लो मैं क्या बोलता हूँ, एक मेरे पास कंपाउंड है AgF हो गया बेटा, एक AgCl हो गया, एक AgBr हो गया और एक AgI हो गया। अच्छा, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है, सबसे बड़ा आयन ये एनायन, ये सबसे बड़ा है, कैटायन तो सभी में Ag प्लस आयन है। दैट्स व्हाई यहाँ अगर मान लो यहाँ से यहाँ अगर आप मूव कर रहे हैं तो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये कोवेलेंट ज्यादा होगा, ये आयनिक ज्यादा होगा, इतना आपको पता चल गया। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने आप में क्या होता है, दिस वन कलरलेस, ये AgCl सभी ने पढ़ा हुआ, वाइट प्रेसिपिटेट देता है AgCl, ठीक है बेटा। AgBr इसे बोला जाता है, दिस वन डल या लाइट येलो इसके अंदर कलर बनता है। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर जो कलर बनता है डार्क येलो बनता है, समझ रहे हैं आप, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। या अगर मान लो मैं यहाँ पे PbCl2 की बात करता हूँ एंड PbI4 की बात करूँ, Cl हो गया, I हो गया, PbPlus2 यहाँ भी है, PbPlus2 यहाँ भी बनेगा, ठीक है बेटा। लेकिन इन दोनों PbI2 यहाँ है, PbCl2 यहाँ, लेकिन इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ये अपने आप में ये वाइट इन कलर है और ये अपने आप में येलो इन कलर है, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे बेटा, क्योंकि आयोडाइड आयन का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। या जैसे मान लो अभी कंपाउंड लिया था ZmCl2 हो गया, या CdCl2 हमने लिया था, HgCl2 हमने लिया था, यहाँ इसके अंदर कलर जो बनता है ब्लैक बनता है, यहाँ ये येलो होता है, यहाँ ये वाइट होता है। और अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला भी था कि जो हमारे पास HgCl2 है इसके अंदर ये अपने आप में कैसा होता है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर वाला इसके अंदर भी, जबकि ZmCl2 के अंदर कैसा हो गया, दिस वन आयनिक कैरेक्टर इसके अंदर ज्यादा बनता है, तो दैट्स व्हाई यहाँ क्या बना, व्हाइट कलर इसके अंदर बना। व्हाइट को हम कलर नहीं बोलते हैं, व्हाइट को कलरलेस बोला जाता है, इतना आपको याद होना चाहिए। तो बेटा ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, जो फजान्स रूल था, मैंने कोशिश की है सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों ने जो ये वीडियो लेक्चर मेरा बहुत इन्जॉय किया होगा, ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।